नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं बीएचयू पार्सल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट है, फुल ऑफ इंफॉर्मेशन है और आज से आपकी सफलता का दरवाजा खुल गया, यानी आप अपनी सफलता के पहले पड़ाव पर जाने वाले हो। सीयूईटी का ऑफिशियली पेपर पैटर्न और सिलेबस आ चुका है। इस वीडियो को जो लोग भी देख रहे हैं उनको लास्ट तक देखना पड़ेगा और इसी के साथ साथ आने वाली हमारे चार वीडियोज की सीरीज, उन वीडियोज को भी पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पे आपको कंटिन्यूअस इंफॉर्मेशन वीडियोस, टॉप स्टॉक और यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी कराई जाती है। जिन लोग को भी कोर्स ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां से आप सीयूईटी की तैयारी कर सकते हो, आप इंक्वायरी कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग आपको उस ऑफिशियल नोटिस को दिखाएंगे और उसकी फुल इंफॉर्मेशन देंगे। वैसे तो मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो को जब मैं बना रहा हूं, इसके पहले बहुत सारे न्यूज एजेंसीज और बाकी जो इंफॉर्मेटिव वीडियोज बनाते हैं वो चैनल इस पे वीडियो बना चुके होंगे और बेस तक उनके वीडियो सही भी हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूं तो इसका मतलब मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं वीडियोज की गारंटी किस हद तक लेता हूं। वीडियो की गारंटी मैं 100% इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाने से पहले बहुत सारे डिस्कशन अपने दोस्तों में, अपने कुछ टीचर्स से, कुछ सीनियर स्कॉलर से मैंने करी और एक अच्छे लेवल पे जाने के बाद, हर बात को समझने के बाद, क्या सही है क्या गलत है, कौन सी बात को बताना है कौन सी बात को नहीं बताना है, मतलब एक मोरल फुल तरीके से जो बात मैं आपको समझाना चाहूंगा वो बात आज एकदम सही रहेगा अभी तक के लेवल पे। कहने का मतलब ये है कि मैं बस आपको वो बात नहीं बताऊंगा जो यहां पे लिखी गई है, मैं आपको वो बात भी बताऊंगा जो यहां इस लिखे हुए शब्दों के पीछे भी है, जो आपको जानना चाहिए और उसी के लेवल पे आपको एनालाइज करना चाहिए। क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि सीयूईटी का टेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यानी एग्जाम प्लेटफॉर्म है। सीयूईटी का एग्जाम एनटीए कराने वाली है, तो एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको अपलोड करा और इसमें इन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। 26 तारीख का ये नोटिस है, आज 27 तारीख है, रात में आया है इसीलिए 27 तारीख हो गया। अदरवाइज अगर दिन में नोटिस आया होता तो बहुत सारे लोग इस वीडियो को 26 तारीख के डेट में ही बना चुके होते। अब इसमें जो आपको डिस्कशन करना है, एक एक पॉइंट्स को आप लोग डायरेक्टली डिस्कशन भी कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको ये नोटिस टेलीग्राम में डाल दूंगा और ये नोटिस का जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे तो मैं आपको जो जो बात समझाऊंगा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हर एक पॉइंट को आप यहां समझ सकते हो। सबसे पहला, फॉर्म शुरू हो रहा है 2 तारीख, कौन सा, 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को आपका फॉर्म शुरू हो रहा है, 30 अप्रैल को फॉर्म क्लोज हो जाएगा। लगभग ये आपसे 28 दिन का जो दरमियान है, जो टाइम है, उसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। फॉर्म फिलअप करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, इसका वीडियो भी मैं कल तक आपको दे दूंगा, उसके लिए भी चैनल पे बने रहिएगा। जब हम लोग इसको नीचे स्क्रॉल करके ले जाते हैं, यहाँ पे सीयूईटी 2022 विल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 सेक्शंस। वैसे आपको 4 सेक्शंस को 4 सेक्शन नहीं समझना है क्योंकि यहाँ पे 4 सेक्शन में सब डिविजन है, तो आपको यहाँ पे ये 1 सेक्शन समझना है, इसको 2 समझना है और इसको 3 समझना है, यानी यहाँ पे टोटल 3 सेक्शन ही अवेलेबल है। पहले सेक्शन में सब डिवीजन है, सेक्शन ए में फर्स्ट ए, सेक्शन फर्स्ट बी, 13 लैंग्वेज का यहाँ पे है, 19 लैंग्वेज का यहाँ पे है। मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे ये 13 और 19 लैंग्वेज में क्यों डिवाइड हुआ है। सेक्शन बी की बात कर रहे हैं, सॉरी सेक्शन सेकंड की बात कर रहे हैं, जिसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की बात की जा रही है, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में हमेशा से रहा है। सेक्शन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक जनरल टेस्ट होने की बात की जा रही है और इसमें कौन से सब्जेक्ट्स होंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा और साथ साथ इन तीनों सेक्शंस में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या कंपलसरी है, क्या मैंडेटरी है, क्या ऑप्शनल है, इन तमाम चीजों पे भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब जब मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूं तो यहाँ पे पहली लाइन को थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, चूजिंग ऑप्शन फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, चूजेस शुड मैच द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। यानी आपके किसी भी सेक्शंस के जो सब डिवीजन है वो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। यानी ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर कोई कंडीशन रखी गई है कि लैंग्वेज में 3 चूज करना है तो 3 चूज करना ही है, अगर आपको डोमेन में 6 चूज करना है तो 6 चूज करना ही है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे समझ पाओगे। अब सेक्शन ए के
फर्स्ट ए में बात करते हैं, जो फर्स्ट है उसके ए में बात करते हैं। देर आर 30 डिफरेंट लैंग्वेजेज, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेज मे बी चूजन, यानी आप इस 13 लैंग्वेज में कोई भी चूज कर सकते हो और कोई भी चूज नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। 40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 40 इन ईच लैंग्वेजेज। यहां पे मैं थोड़ा सा नोटिस पहले पढ़ चुका हूं, तो मैं बार बार 3 सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको 13 और यहां पे 19 दोनों को मिला के 3 सेक्शन चूज करने हैं, यानी 3 लैंग्वेजेस चूज करने हैं, और उन 3 लैंग्वेजेस में से जो पहला मतलब एक सेक्शन होगा या एक पहला लैंग्वेज होगा उसमें 50 क्वेश्चन आएगा, जिसमें से 40 चूज करना है, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी तरीके से 50 50 50 150 क्वेश्चन होगा और उसमें से 40 40 40 करके आपको सॉल्व करना होगा। ईच लैंग्वेज को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट दिया जाएगा, समझ रहे हो मेरी बात, मतलब 45 45 45 3 टाइम्स आपको दिया जाएगा, और एक लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, 3 लैंग्वेज आपको पेपर देना होगा। ये आपके चूज पे, आप चाहो तो एक ही लैंग्वेज चूज करो, आप चाहो तो 2 लैंग्वेज चूज करो, ठीक है। अब इसको और नीचे ले आते हैं स्क्रॉल करके, यहां पे दिया हुआ है सेक्शन सेकंड डोमेन, इसमें टोटल 27 डोमेन सब्जेक्ट स्पेस सब्जेक्ट बींग ऑफर्ड अंडर द सेक्शन, अ कैंडिडेट मे चूज अ मैक्सिमम ऑफ 6 डोमेन्स एज डिजायर्ड बाय द अप्लीकेबल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे बार बार डिजायर्ड बाय यूनिवर्सिटी बोल रहा है, इस बात को समझो। यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी अभी एक और नोटिफिकेशन देगी, हर एक यूनिवर्सिटी का अपना खुद का एक अप्लीकेशन होगा, सॉरी नोटिफिकेशन होगा, या ब्रोचर जिसको बोलते हैं, वहां पे वो अपने ऑफर्ड कोर्स बताएंगे। जब से वो नोटिस नहीं आएगी तब तक आप लोग इस नोटिस को पूरा मत समझिएगा, ये बात एकदम सत्य है कि हर एक यूनिवर्सिटी का अपना एक ब्रोचर जरूर आएगा, जिसमें वो आपको बताएंगे कि हमारे यहाँ ये कोर्स है और इस कोर्स के लिए आपको ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स लेना पड़ेगा, या आपको ये लैंग्वेज लेना पड़ेगा, या फिर आपको ये जनरल टेस्ट देना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जैसे हम इसको नीचे लेके जाते हैं, अच्छा यहाँ पे भी 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50, यानी हर एक डोमेन के लिए 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से 40 आपको अटेंड करना होगा, और यहीं पे 45 मिनट ईच डोमेन के लिए दिया जाएगा। जिस तरीके से 6 डोमेन का टाइम 4.5 घंटे हो जाएंगे, तो इसका मतलब यहां पर भी एक कहानी और बदलेगी कि आपका पेपर एक ही बार में नहीं होगा। हो सकता है कि डोमेन के सब डिवीजन बनाए जाए, हो सकता है कि डोमेन के अलग कराए जाए, लैंग्वेज के अलग कराए जाए, जनरल टेस्ट अलग कराया जाए। अभी इसको लेके एक और ऑफिशियल नोटिस आएगा और हर यूनिवर्सिटी का भी अपना एक ब्रोचर जरूर आएगा। अब हम लोग थोड़ा और नीचे चलते हैं, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे जनरल सेक्शन थर्ड में जाते हैं तो जनरल टेस्ट है। जनरल टेस्ट को बहुत ही बेहतर तरीके समझो, इसको क्या है, फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज होंगे जहां पे वो जनरली ओनली जनरल टेस्ट से अपने एडमिशन ले लेते होंगे, यानी उनके यहाँ कोई भी स्पेसिफिक डोमेन की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके यहाँ कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बस जनरल टेस्ट से एडमिशन ले सकते हैं। वैसे आपको एक बात मैं और कंफर्म करना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेक्शन फर्स्ट में ए और बी देखे हैं, वो जब लैंग्वेज का सेक्शन है वो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हर किसी को करना जरूरी हो जाएगा, एज पर आने वाले ब्रोचर के ऊपर हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। जनरल टेस्ट को बस इतना समझ लो कि ये एक ऐसे यूनिवर्सिटी के लिए होगा जो कि ओनली जनरल टेस्ट के बेसिस पे अपने एडमिशन दे देगा बच्चों को, जैसे कि बीएचयू का बीए अभी तक का जो एडमिशन रहा है वो एक जनरल टेस्ट ही रहा है, जिसमें एप्टीट्यूड भी आता था, मतलब कॉमन, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी, करेंट अफेयर्स, जनरल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इको, एक तरह से पूरा जो आप यहाँ पे देख रहे हो सिलेबस, इनका यही सिलेबस आपके वहां रहा है जनरल टेस्ट का, देख लो वही है। यहाँ पे क्या दे रहे हैं लोग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, देख रहे हो, बेसिक मैथमेटिकल, ज्योमेट्री, क्या दे रहे हैं, एकदम वही सब चीज देख रहे हैं, इसमें से कुछ रीजनिंग, यहाँ पे जनरल नॉलेज, करेंट अफेयर्स, सिंपल सी बात है जो मैंने बोला। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होंगी जो कि जनरल टेस्ट के बेसिस पे अपने एडमिशन देंगी, तो ये सेक्शन भी आपके लिए करना जरूरी हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़े से इन्होंने डिक्लेमर कुछ पॉइंट अलग से लिख रखे हैं, जैसे कि 13 लैंग्वेज कौन कौन से है, तमिल है, तेलुगु है, कनाडा है, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमी, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी एंड उर्दू, ये ऐसे लैंग्वेजेज हैं जो कि आपको चूज करने हैं। देखो डोमेन में कोई भी लैंग्वेज नहीं रखा गया है, दिस इज द रीजन की लैंग्वेज के अलग सेक्शन ही बना दिए गए। आपको यहाँ पे जब मैं लैंग्वेज समझा रहा हूँ तो ये बात ध्यान रखना कि CU CT बस इंडिया के लिए नहीं है,
सीयूसीटी फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए भी है। दिस इज द रीजन कि यहाँ पे फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्सियन, इटालियन इस तरीके के लैंग्वेज भी रखे गए हैं, क्योंकि वहां के जो बच्चे आएंगे हो सकता है वो बस फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई करने के लिए आए, तो ऐसे में भाई उनके लिए भी लैंग्वेज होना चाहिए। और बहुत सारे इंडिया में ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑफर करती हैं फॉरेन लैंग्वेजेज को, और फॉरेन लैंग्वेजेस को फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए जब ऑफर करती है तो ऐसे में स्कूल, मैं भी फिर से बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी अपना ब्रोचर देगी जिसमें बताएगी, उस हिसाब से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप करोगे। ध्यान देना कि कुछ ही दिनों में एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है, तो ऐसे में एप्लीकेशन फॉर्म पे तुरंत मत टूट पड़ना, इंतजार करना जब तक वीडियो ना मिल जाए, जब तक हम खुद ना समझ लें तब तक आप एक कुछ भी ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डोमेन पे चलते हैं। डोमेन में 27 सब्जेक्ट्स यहाँ पर रखे गए हैं जो कि क्या है, अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, ये पूरा मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जिसमें देखो हर लगभग हर है, मतलब सब सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, मैंने पढ़ा सब लगभग है। लेकिन जो सब्जेक्ट्स नहीं है, बहुत सारे ऐसे डोमेन हैं जो नहीं भी होंगे इसमें, अगर नहीं है तो उस डोमेन के इर्द गिर्द कोई सब्जेक्ट अगर रिलेट हो रहा है तो आप ले सकते हो, ये बात भी यहां पे लिबरल तरीके से यहां पे रखी गई है। अब आपको मैं एक बात और बताऊंगा, कई सारे यूनिवर्सिटीज में जो ऑनर्स है, जैसे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ले लो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये चूज का ऑप्शन जो तरीका रहा है ना पहले से भी रहा है, इस यूनिवर्सिटी में जो चूज करने का ऑप्शन रहा है, जैसे बीए का पेपर देने जाओ तो ऑलरेडी आप फॉर्म भरते वक्त तीन सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर लोगे कि मुझे हिस्ट्री से पढ़ना है, मुझे ज्योग्राफी से पढ़ना है, मतलब वहां सिलेक्शन के बाद कुछ भी सब्जेक्ट्स लेके पढ़ सकते हो, लेकिन अपने 12वीं की बेसिस पे आप यहाँ पे चूज करके अपना पेपर दे सकते हो अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि 12वीं मैंने ज्योग्राफी पढ़ी है तो ज्योग्राफी ही मैंने मुझे पेपर दे के आपको जाके वहां बीए करना है, तो ये चीजें यहाँ पे भी हैं, ये चीजें यहाँ पे भी रखी गई हैं, समझ में आ रहा है। इस वीडियोज के चार पार्ट और आएंगे जिसमें मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। अब मैं थोड़ा सा और नीचे चल रहा हूं, ये चार पॉइंट्स जब मैं आपको समझाऊंगा तो बहुत सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगे। और कैंडिडेट कैन चूज अ मैक्सिमम ऑफ एनी थ्री लैंग्वेज, मैंने आपको बताया कि कम से ज्यादा तीन चूज कर सकता है, फ्रॉम सेक्शन ए फर्स्ट वन, सेक्शन फर्स्ट बी, यानी जो 13 और 19 लैंग्वेजेज हैं, टेकन टूगेदर, ठीक है। वन ऑफ द लैंग्वेजेज चूजन नीड्स टू बी लाई ऑफ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना पड़ेगा कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं ये जरूरी नहीं है कि वहाँ, वो मैंने जो फॉरेन वाला कम से बताया कि ये आपको स्पेसिफिक में डोमेन में ऑलरेडी नहीं मिलेंगे लैंग्वेजेज, इसीलिए अलग रखा गया, इसीलिए वो आपको करना भी पड़ेगा। फिर यहाँ पे 27 आउट ऑफ कैंडिडेट में चूजन मैक्सिमम ऑफ 6, एकदम सेम चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं कि 27 सब्जेक्ट्स जो है वो आपको डोमेन में देखने को मिलेगा जिसमें आपको 6 आपको अटेंड करना है, ठीक है। अभी इस पर मैं क्लियर एक नया वीडियो दूंगा, ये जनरल बस एक आपको मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। सेक्शन सी में आपके जो जनरल टेस्ट रखी गई वो है, ठीक है, ओके। इसके बाद आपके हाँ मोड ऑफ द टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पे सीबीटी में है, ध्यान रखिएगा किस में है, सीबीटी में है, पेपर पैटर्न में ऑब्जेक्टिव टाइप विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबको पता है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। मीडियम में क्या है, 13 लैंग्वेजेस ये आपके मीडियम रखे गए हैं, यानी इतने मीडियम में आपके जो पेपर हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। सिलेबस में चलते हैं, तो ऑलरेडी ये सिलेबस जो मैंने आपको ऊपर बताया ये पूरे सिलेबस यहाँ पे इन्होंने फिर से लिख रखा है, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट, अगर इसको हम लोग और अच्छे से पढ़ें तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट हम लोग यहाँ पे जान सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मतलब देखो क्या है, यहाँ पे इस चीज को समझा देता हूं मैं, हाँ अभी इस साल के लिए ये तो फर्स्ट बार हो रहा है, आने वाले समय में यूजीसी जो है इसको डिस्कस करेगी और हो सकता है कि साल में दो बार भी कराई जाए, जैसे या फिर जैसे जेई मेन है सबको पता है चार बार लिया जा रहा है, जो बेस्ट होगा वो वहां पर चूज कर लिया जाता है, उसी तरीके से सीयूईटी भी कई बार लिया जाएगा, जो बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसको चूज किया जाएगा, ऐसा फ्यूचर में हो सकता है। चूज ऑफ द लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, ठीक है। इसको मैं आपको ओवरव्यू समझा देता हूँ, ये आपके सब्जेक्ट से संबंधित है जो इर्द गिर्द वाली मैंने बात बोली, यानी आपका जो डोमेन में सब्जेक्ट्स नहीं दिया हुआ है लेकिन आप घबरा जाओगे, अब ये आप हर बच्चा इस बात को नहीं समझ पाएगा क्योंकि आपको ज्योग्राफी चाहिए था, आपको ज्योग्राफी दिख गया डोमेन में, उन बच्चों को सोचो जिन बच्चों का डोमेन में मैच नहीं कर रहा है, तो उन बच्चों के लिए क्या बोल रहे हैं, थोड़ा लिबरल तरीका है कि आप उसके इर्द गिर्द कोई सब्जेक्ट चूज करके अपना पेपर दे सकते हो, उससे ही आपके मेरिट बन जाएगी और आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ाई कर पाओगे, ठीक है। और नीचे चले, ठीक है, तो ये तमाम बातें रही हैं।
जो कि आपको समझानी थी। मैं जस्ट इसी के बाद आज पूरे दिन में 4 वीडियोस दे रहा हूं। हर एक वीडियो को देखना और वीडियो को अपने स्टेटस पे जरूर लगाना, क्योंकि ये बातें सबको पता चलनी चाहिए, क्योंकि हर एक चीजें जो अलग अलग चैनल पे आपको देखने को मिलेंगी, हो सकता है कि वो बहुत अच्छे से ना समझा पाए और कहीं आप गलती ना कर बैठो। और मेरे को अगर फॉलो कर रहे हो तो मेरे हर एक वीडियोज को आपको फिर देखना पड़ेगा। सो गाइज प्लीज एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर। जिनको भी बीएचयू पाठशाला पे कोर्स ज्वाइन करना है सीयूईटी का, वो ज्वाइन कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक नंबर है, कॉल करके आप उस पर इंक्वायरीज करो और कोर्स ज्वाइन करो, ठीक है। तो मैं जस्ट इसके बाद एक सेकंड पार्ट दे रहा हूँ, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, और उसको आप लोग अच्छे से दो, ओके। तो हर हर महादेव, जैसे कृष्ण, राधे राधे, मुस्कुराना बिल्कुल ना भूले। एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट है कि आने वाले पूरे 4 पार्ट के वीडियो जरूर देखोगे, ठीक है। ओके, बाय बाय।